नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो को बेसिकली चर्चा करेंगे हम लोग गेहूं की फसल में। सबसे पहले जब हम खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक का स्प्रे करने के पहले कौन कौन सी सावधानी रखें और खरपतवार नाशक के स्प्रे दौरान कितनी नमी जमीन में रहना चाहिए, कितनी नहीं रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहना। यदि चैनल पर नए हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों गेहूं की फसल में जो है खरपतवार नाशक जब डलता है, बहुत समय पे देखा जाता है कि गेहूं की फसल में किसान भाइयों द्वारा खरपतवार नाशक का यूज़ किया जाता है और उसके रिजल्ट नहीं आते, तो उसके पीछे दोस्तों कारण होता है कि गेहूं की फसल में जो है नमी की मात्रा कितनी है मिट्टी में। अधिकतर होता है कि जब भी किसान भाई मार्केट से गेहूं के खरपतवार को खरीद के लाते हैं तो उनको मारने में या देरी हो जाती है या फिर देखा जाता है कि उनकी खेत की जो मिट्टी है उसमें नमी की मात्रा जो रहती है वो कम हो जाती है। तो नमी की मात्रा जब मिट्टी में कम हो जाती है गेहूं की फसल में, तो वहाँ पर उगा जो खरपतवार है वो उतने अच्छे से नहीं मर पाता है, कुछ चारा उसमें से बच जाता है। तो ये जो चारा बच जाता है इस चारे को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए पहले गेहूं की फसल में पानी चला दे किसान भाई, और जो भी खरपतवार नाशी खेत दुकान से लाया है तो उसे पानी चलाने के बाद में ही डाले, जिससे कि उनके जो खेत में उगा हुआ मामा चारा या जो भी मेथी राई या बटरी जो भी कचरा उगा हुआ है वे सभी नमी बनी रहेगी मिट्टी में, तो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। और कंपनियां अच्छी अच्छी दवा निकाली है आजकल, जैसे मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल के साथ में क्लोरीनोफॉप का कॉम्बिनेशन दे दिया है, सिंगल क्लोरीनो और मेटसल्फ्यूरॉन भी आता है इसके लिए। तो ये गेहूं की है हर्बिसाइड होता है, इसमें पूरा चारा समाप्त हो जाता है गेहूं का मामा जो मुख्य रूप से गेहूं की फसल के साथ उगता है और एक बड़ा खरपतवार कहलाता है, तो गेहूं का चारा भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और जो भी अन्य खरपतवार साथ में उगता है वो भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले खेत में पानी चलाना है, पूरी सिंचाई करना है अच्छे से, उसके बाद में सिंचाई के कुछ दिन के बाद में, एक से दो दिन के बाद में जब नमी थोड़ी सी रहती है मिट्टी में, उसके बाद में आपको पानी अपनी खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।